आज हमारे महिला कांग्रेस की स्थापना को 40 साल पूरे हो रहे हैं। हम पूरे भारत में हम ये हर्षोल्लास से मना रहे हैं कि महिला को अच्छा सा एक व्यासपीठ मिला है, और इस व्यासपीठ की ये जो महिला कांग्रेस की जो है न्यू है, पंत हमारी स्वर्गवासी पंतप्रधान भारत रत्न इंदिरा जी गांधी जी ने रखी थी, और इस अभियान से हम आज तक जो है ऑल इंडिया कांग्रेस का महिला कांग्रेस है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आज तक हम जो है कांग्रेस की सदस्य थे, लेकिन हमारा एक व्यासपीठ है ऑल महिला कांग्रेस, और हम आज से महिला कांग्रेस की सदस्यता बन रहे, जबकि अब है 33% आरक्षण का मुद्दा जो है आ गया है और पास भी किया है कानून अभी तक, लेकिन वो लागू नहीं हुआ है, और वो जल्दी से जल्दी लागू करें। और महिलाएं जब संसद में पहुँचे, विधानसभा में पहुँचे, यहाँ से अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी से, हमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, महिला कांग्रेस कमेटी से, ब्लॉक स्तर से अच्छी सी महिला बने की जो जानकारी रखे कि हमारे हमको हमारे हित के कैसे कायदे कानून बनाने, वो कायदे कानून बनाने की शिक्षा ये हमारी महिला कांग्रेस उनको देंगी, और अच्छे से नेतृत्व ये पूरे भारत हिंदुस्तान के आधी आबादी वाली महिलाओं का नेतृत्व संसद में विधानसभा में जाके वो करे, सुदृढ़ साथ से करे। देखिए, महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा वोट बैंक समझा है। उन्होंने ये समझा है कि वो कुछ पैसे देकर महिलाओं का वोट को खरीद सकते हैं। निश्चित तौर से कहीं हमें कुछ जगहों पर हमें सफलता नहीं मिली है, लेकिन बेईमानी से चुनाव जीतने वालों को ये कहने का अधिकार नहीं है। और यदि वे सही मायनों में महिलाओं के हितैषी अपने आप को मानते हैं, तो क्यों लाडली बहना योजना से महिलाओं के नाम कट रहे हैं? क्यों महिलाओं को उम्र के बंधन में लाडली बहना योजना से बाहर रखा जा रहा है? हमारा ये कहना है कि सभी महिलाओं को बिना भेदभाव के वो लाडली बहना योजना का लाभ दिलवाएं। निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन प्राप्त करने वाली जो बहनें हैं, जिनको महीनों से इन पेंशनों का लाभ नहीं मिला है, इन पेंशनों का लाभ दिलवाएं। और जो उन्होंने गैस सिलेंडर 450 में देने की बात की थी, वो 450 में उपलब्ध कराएं। आज हमारी जो बैठक है, ये आज स्थापना दिवस के दिन हमारी सदस्यता अभियान को शुरुआत है, और हमारी आज वेबसाइट लॉन्च हो रही है, जो पहली बार महिला कांग्रेस ने सदस्यता आरंभ की है।